नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रो मैक्स इन 2B वर्सेस वीवो Y1S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 6.47 इंच जबकि वीवो Y1S में 6.11 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि माइक्रो मैक्स इन 2B से कम है। विड्थ की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 2.98 इंच जबकि वीवो Y1S में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि माइक्रो मैक्स इन 2B से कम है। बात करें थिकनेस की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 0.34 इंच जबकि वीवो Y1S में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 190 ग्राम जबकि वीवो Y1S में 161 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 6.52 इंचेस जबकि वीवो Y1S में 6.22 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन माइक्रो मैक्स इन 2B में 720x1600 और वीवो Y1S में 720x1520 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो माइक्रो मैक्स इन 2B में 82.63% जबकि वीवो Y1S में 82.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि वीवो Y1S में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और वीवो Y1S की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और वीवो Y1S की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और वीवो Y1S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में माली G52 जबकि वीवो Y1S में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में यूनिसॉक T610 और वीवो Y1S में मीडियाटेक हीलियो P35 मिलता है। बात करें रैम की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 6GB की रैम मिलती है जबकि वीवो Y1S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 3GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो माइक्रो मैक्स इन 2B में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि वीवो Y1S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में एंड्रॉइड V11 जबकि वीवो Y1S में एंड्रॉइड V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी माइक्रो मैक्स इन 2B में 5000 mAh जबकि वीवो Y1S में 4030 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 3 कलर्स जबकि वीवो Y1S में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo Y1S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,390 रुपीस, 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 9,490 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Micromax N2B में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y1S की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Micromax N2B आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F12 है, जो कि 11,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme C21Y है, जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme C11 2021 है, जो कि 8,799 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco C31 है, जो कि 8,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।